नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना मद्देशिया। कांकेर कलेक्टर चंदन कुमार ने आज जिला कार्यालय परिसर में रोको टोको जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। जिला प्रशासन कांकेर और यूनिसेफ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस अभियान का उद्देश्य कोविड टीकाकरण के प्रति जागरूकता लाने एवं स्वस्थ व्यवहार के लिए लोगों को प्रेरित करना है। राष्ट्रीय सेवा योजना, स्काउट गाइड, रेड क्रॉस व नेहरू युवा केंद्र के लगभग 50 की संख्या में चुने गए स्वयं सेवक रोको टोको अभियान के जरिए लोगों को कोविड टीकाकरण व मास्क के प्रति जागरूक करने के साथ ही प्रचार सामग्री का जिले के विभिन्न स्थानों में भ्रमण का वितरण करेंगे। इसके साथ ही यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने में भी अपनी भूमिका निभाएंगे। रोको टोको अभियान के शुभारंभ अवसर पर जिला कलेक्टर श्री चंदन कुमार ने कहा कि कोविड-19 संक्रमण को तोड़ना है, अतः स्वयं सेवक कोविड-19 टीकाकरण के लिए लोगों को जागरूक करे। समाज को अलर्ट रहने तथा कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने, जैसे मास्क लगाना, सामाजिक दूरी का पालन करना, सैनिटाइजेशन करने इत्यादि के उपयोग के संबंध में लोगों को जानकारी दे। इस अभियान में भागीदारी निभा रहे सभी स्वयं सेवक अलग अलग गाँव से हैं, अतः वे अपने गाँव के लोगों और अपने साथियों को कोविड वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करें। सभी लोगों को कोविड वैक्सीनेशन को पूरा डोज लेना आवश्यक है। इसी प्रकार प्रिकॉशन डोज के लिए भी प्रेरित किया जाए, इससे समाज में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमण का खतरा अभी कम नहीं हुआ है, इसलिए सतर्कता व सावधानी रखें। उन्होंने यूनिसेफ के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि निश्चित रूप से ऐसे कार्यक्रमों से युवाओं को जोड़ने से सकारात्मक परिणाम मिलेंगे और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। जिनको कोई कोमॉर्बिडिटी है, कोई अन्य बीमारी से ग्रसित है, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, तो ऐसे लोगों को भी प्रिकॉशन डोज लगना है। तो ये सारी चीज़ें जो है गांव में कई बार पता नहीं होती है, इसलिए अगर आप लोग चाहें तो इस कड़ी में आप इस पूरे अभियान में एक महत्वपूर्ण योगदान जो है निभा सकते हैं और समाज में इसका एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और आप लोगों के भी व्यक्तित्व के ऊपर इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा, आपका व्यक्तित्व जो है इससे विकास करेगा। तो एक बार मैं पुनः आप लोग सभी को इस अभियान से जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं यूनिसेफ का भी धन्यवाद देता हूँ कि उन लोगों ने ये चीज़ प्लान किया और लोगों को जोड़ रहे हैं, और रिहाना और उनकी टीम को भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन लोगों ने इस तरह के कार्यक्रम को आयोजित किया।